नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले एक स्मार्ट वॉच जो कि आती है नॉइस की तरफ से, नॉइस कॉलर फिट प्रो 2। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस वॉच के बारे में पूरी डिटेल में बात, तो वीडियो पे बनी रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी वीडियोस को लगातार देखने के लिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एट लास्ट नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना काफी ज्यादा जरूरी है कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो वीडियो पे बनी रहिए, तो चलिए शुभारंभ कर दें। तो बिना समय बर्बाद किए अब हम चालू करेंगे हमारी अनबॉक्सिंग। तो ऊपर की तरफ हमें देखने मिल जाती है नॉइस की ब्रांडिंग, बीच में हमें मिल जाती है नॉइस के इस वॉच की एक फोटो, बाजू में देखें तो हमें काफी सारे स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाती है, और अगर आप पीछे के साइड में भी देखें तो भी हमें काफी ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाती है। इसकी जो MRP है वो 4,999 दी हुई है, पर अगर आप इसको अमेजोन से परचेज करते तो ये सिर्फ आपको 3,499 की मिलेगी। तो अगर हम बॉक्स को साइड में रखते हैं और अंदर देखे देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें देखने मिल जाती है। सबसे पहले हम बताएंगे इसके कवर को और देखेंगे कि और भी हमें क्या क्या चीजें इसमें देखने मिल जाती है। साथ ही में हमें आप देख सकते हैं इसमें आपको चार्जिंग केबल देखने मिलती है, एक यूजर मैनुअल देखने मिलता है जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ एक वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देखने मिलता है। आगे हम बात करें तो अब हम वॉच के बैंड की बात करेंगे कि बैंड कैसी क्वालिटी का हमें देखने मिल रहा है। तो बैंड की बात करें तो काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी है, लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी है और जल्दी से खराब होने वाली चीज नहीं है। वॉच की क्वालिटी की बात करें तो वॉच काफी अच्छा और प्रीमियम लुक देती है, डिजाइन काफी अच्छा लगा मुझे इस वॉच का, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है। पीछे में हमें हार्ट बीट सेंसर और चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाता है जो कि मैग्नेटिक है। ये जो केबल देखने मिलती है इसमें जो USB वाला साइड है वो आप कोई भी एडेप्टर या लैपटॉप में लगा के इस वॉच को चार्ज कर सकते हैं, और ये वाला जो साइड है इसको आप यहाँ पे मैग्नेटिक बेल्ट की वजह से आप यूज कर सकते हैं। सो तो गाइस, चलिए अब मैं आपको इस वॉच का एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ कि क्या ये इस प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सबसे पहले हम देखें तो अगर आपको इसका जो ये सामने का पैनल है अगर आपको ये चेंज करना है डिजाइन, तो आप इस वॉच को कुछ सेकंड तक क्लिक करके रखिए स्क्रीन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन मिल जाएंगे जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अब हम इसके बाकी फंक्शंस की बात करें तो बाकी फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये साइड में देखें तो कुछ भी नहीं है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखते तो यहाँ पे आपको विस्ट में आपने पहनी है कि नहीं ये दिखाता है, इधर आपको आपका लोकेशन दिखाता है, इधर हार्ट बीट सेंसर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हार्ट बीट सेंसर स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद ये अगर आप फिर से क्लिक करते तो ये ऑफ हो जाता है, ये वाला अगर आप देखें तो DND इनेबल, DND डिसेबल्ड। फिर से हम होम स्क्रीन पे आते हैं, अगर ऊपर के साइड में देखें तो यहाँ पे आपको आपके पूरे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब आप इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे, तब साइड में आपको ये सारे फंक्शंस देखने मिल जाएंगे जैसे कि आपने आज दिन भर में कितने स्टेप्स चले, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, कितने किलोमीटर रन हुआ, और बाकी पूरा आपका वीकली टोटल सारा डेटा मिल जाएगा। अगर आप बाकी ऐप्स की बात करें तो बाकी काफ़ी सारे इसमें सिचुएशन काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने मिल जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड में आपको देखने मिल जाता है रन, वॉक, साइकिलिंग और हाइकिंग, हार्ट बीट सेंसर देखने मिल जाता है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अलार्म का सिस्टम भी देखने मिल जाता है इस वॉच में। आगे हम बात करें तो इसमें आपको ब्रीथ का सेंसर देखने मिल जाता है, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। आगे हम बात करें इस वॉच के और भी फंक्शंस के बारे में, इसमें देखने मिल जाएगा म्यूजिक, अगर आपका ये फोन से कनेक्टेड होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी दूसरे फंक्शन स्टॉप वॉच और टाइमर और स्टॉप वॉच दोनों देखने मिल जाती है। सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स जैसे कि आपको इसमें देखने मिल जाएगा शट डाउन करना है कि नहीं, डिमिशिंग और डायल अबाउट एक्सेट्रा सारी चीजें, और स्पोर्ट्स रिकॉर्ड। तो अगर आप मेरी राय माने तो ये 3,500 के प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी वॉच निकल गया थी, क्योंकि वाटरप्रूफ भी है, 45 डेज का स्टैंड बाय टाइम हमें इसमें देखने मिलता है, और भी ओवरऑल काफ़ी सारे फंक्शंस आपको इसमें देखने मिलते हैं। तो अगर आप इस वॉच को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अमेजोन की, चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आखिरी में बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।